रेवाड़ी में एक युवती के साथ दुष्कर्म होने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपों के मुताबिक इंस्टाग्राम पर मित्र बने एक युवक ने घर बुलाकर युवती से दो बार दुष्कर्म किया है। युवती ने महिला थाना को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय पीड़ित युवती ने शहर के उत्तम नगर निवासी एक 20 वर्षीय युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी शिकायत में कहा कि आरोपी से इंस्टाग्राम के जरिए मित्रता हुई थी और फिर बातचीत होने लगी थी। बातचीत में आरोपी युवक ने युवती से शादी करने का वादा किया था, लेकिन शादी का झांसा देकर युवक ने उसे घर आने पर मजबूर किया। युवक ने 5 मार्च को उसे अपने दिल्ली रोड से उत्तम नगर के घर पर बुलाया। तत्पश्चात उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे की धमकी दी। इस धमकी के चलते आरोपी ने 2 दिन बाद पुनः घर पर बुलाया और दुष्कर्म किया। आखिर में उसने मजबूर होकर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्णय लिया। महिला थाना पुलिस ने शिकायत मिलते ही पीड़िता का मेडिकल कराया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी अभी फरार है तथा पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पहले जहां सोशल प्लेटफॉर्म पर अपराधी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे, लेकिन अब महिलाओं को अपने जाल में फंसा कर उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। अब देखना होगा कि महिला अपराध पर लगाम लगाने का दम भरने वाली हरियाणा की स्मार्ट पुलिस प्रेम जाल में फंसा कर महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे शातिर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाएगी। कल पीड़िता ने थाने में आकर एक दरखास्त दी। आरोपी ने उसके साथ फोन पे बातें करके उसको बहला फुसला कर किसी मकान में लेके गया और उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया, जिस सूचना पर हमने FIR दर्ज की और पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। आरोपी की तलाश जारी है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।